प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, चैप्टर फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति, क्लास 9। हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा, और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं को किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसके बारे में सीखा, और साथ ही हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हमने वर्गमूल सर्पिल बनाया। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित ये एक्सरसाइज है हमारे पास। इसमें जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें है कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, जो इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार है। अब थोड़ा सा एक बार दशमलव प्रसार के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं संग्रह होती हैं किसका? परिमेय संख्याओं का। और अपरिमेय संख्याओं का, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या या तो वो परिमेय संख्या होगी या फिर वो अपरिमेय संख्या होगी। अब इनके परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार देखते हैं। दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार दो तरह से हो सकता है, या तो वो शांत होगा, या तो वो कैसा होगा? शांत, या फिर वो होगा अशांत। शांत नहीं होगा तो अशांत होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम 1/2 लें तो 1/2 को जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे 0 और यहां 10 तो ये आ रहा है, इसको लिखा मैंने 0.5। देखो दशमलव रूप में लिखा तो ये दशमलव के कुछ अंक के बाद ये रुक गया, यानी कि ये कैसा हुआ? शांत। इसी तरह से अगर हम 1/3 को ले 0 तो 3 × 9, फिर 3 × 9 एक बज गया, फिर 3 × 9 एक बज गया, यानी कि ये चलता रहेगा। यानी कि अगर हम 1/3 का लिखे तो ये आ गया 0.3333, ये चलता ही रहा इस तरह से। तो ये कैसा हुआ? ये शांत नहीं है, ये कैसा हुआ? अशांत हुआ। लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? बार बार ये आ रहा है। तो अशांत, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार आना, इसको पुनरावृत्ति भी बोल देते हैं। अशांत के लिए एक शब्द और यूज किया गया है, वो है अनवसानी। अनवसानी मतलब जो दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं तो खत्म नहीं होता, चलता रहता है। आवर्ती मतलब जो बार बार आ रहा है, इसको पुनरावृत्ति भी कह देते हैं, पुनरावृत्ति भी कह देते हैं इसको। और जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो खत्म होता और ना रिपीट होता है। और तो इसको बोलेंगे, क्योंकि ये अशांत होता है तो अशांत, और कैसा होता है? एक तो ये खत्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, यानी कि आवर्ती भी नहीं होता, तो ये कैसा होता है? अनावर्ती। अब अशांत को हम क्या लिख देते हैं? अनवसानी और अनावर्ती। अनावर्ती तो ये इनके दशमलव प्रसार होते हैं। वैसे हमारे पास यहां पे जो भी संख्या लिखी हुई है वो परिमेय संख्या लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको पूरी वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दिया, चाहे वो परिमेय संख्या है चाहे वो अपरिमेय संख्या है। शांत का मतलब दशमलव प्रसार
जब हम भाग कर रहे हैं तो कुछ दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए। उसके बाद अशांत का मतलब, अशांत या अनवसानी का मतलब, मतलब जब दशमलव रूप में लिख रहे हैं तो पूरी तरह से भाग ना हो, चलता ही रहे बार बार, मतलब आगे चलता ही रहे। और आवर्ती का मतलब कि बार बार वही आ रहा है, जैसे तीन 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 इस तरह से बार बार आ रहा है, तो 0.1762 1762 इस तरह से बार बार आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, आवर्ती, जिसको हम पुनरावर्ती भी बोलते हैं। उसके बाद शांत का हो गया, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, आवर्ती जो बार बार आ जाता है, अशांत अशांत मतलब जो खत्म ना हो, चलता है, अनवसानी, और अनावर्ती मतलब जो रिपीट भी ना हो, जैसे 0.10 100 100 140 इस तरह से चल रहा है। अब देखो ना तो ये खत्म हो रहा, यानी कि अशांत है, और ना रिपीट हो रहा है, यहां 10 है, यहां 100 है, यहां 000 है, आगे भी इस तरह से चल रहा है, तो ना तो ये खत्म हो रहा है यानी कि अशांत या अनवसानी है, और ना ही रिपीट हो रहा है यानी कि ये अनावर्ती है। तो इस तरह से वास्तविक संख्याएं, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उनके दशमलव प्रसार इस तरह से होते हैं। अब हमें हमारे पास जो संख्याएं ये दी हुई है, वास्तविक संख्याएं जो दी है वो परिमेय संख्या दी हुई है, यानी कि हमारा आंसर या तो शांत होगा, शांत मतलब भाग करने पर दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो रुक जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, या फिर वो अशांत होगा जिसको हम अनवसानी बोलेंगे, अनवसानी अशांत होगा तो यानी कि वो चलता रहेगा लेकिन कैसा होगा, रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट होगा तो अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती, ये होगा। यानी कि हमारे पास इसके जो आंसर होंगे वो दो तरीके से आएंगे, या तो शांत यानी कि दशमलव के बाद कुछ पॉइंट के बाद रुक गया, या फिर अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती, रिपीट होना शुरू हो गया, बार बार आना, दोबारा से आना शुरू हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 36/100। अब 36/100 इसको तो भाग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है, तो जितनी जीरो है उतने के बाद दशमलव लग जाते हैं, तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना 36 यहां पे दशमलव लग जाएगा, तो ये कैसा हुआ, हमारा हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हुआ, शांत। तो ये हमारा इसका आंसर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, दूसरे पार्ट में क्या कहा है, 1/11। हम क्या करेंगे, 11 को सॉरी 1 को 11 से भाग करेंगे, 0 यहां पे, अब यहां दशमलव लग गया, और ये तो अभी भी नहीं जाता इसके, फिर 0 यहां एक और 0 लगाई तो ये 9 पे आ गया, 11×99 1 रह गया। अब 0 लगाएंगे तो अभी भी छोटा है उससे वो, तो 0 एक और 0 लगाई तो हमने क्या बन गए, 11×99 9 पे आ गया, फिर 1 बच गया माइनस किया तो फिर 0 लगाई तो ये अभी भी नहीं जाता, फिर हमने एक और 0 लगाई तो 11×99 फिर माइनस किया तो 1 बचे। देखो बार बार वही आ रहा है, कितना बन रहा है, 0.09909 चलता ही रहेगा, ये कैसा होगा, चलता ही रहेगा। देखो रिपीट कहां से शुरू होना हुआ, 09 फिर 09 फिर 09, तो इसको आप इस तरह से लिख देते हैं 0.09, जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है, जहां से ये रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार का मतलब ये बार बार आ रहा है, इसको हम बार बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो अब देखो खत्म तो नहीं हो रहा, चलता रहेगा इस तरह से, तो चलता रहेगा तो कैसा हुआ दशमलव प्रसार, अनवसानी, अनवसानी। और दूसरी बात, अनवसानी रिपीट हो रहा है ना, तो आवर्ती, अनवसानी और आवर्ती, ऐसी तरह लिख लेते हैं, अनवसानी आवर्ती,
आवर्ति का मतलब बार बार आना, या फिर इसको लिख सकते हैं अनवसानी पुनरावर्ती, पुनरावर्ती, पुनरा मतलब पुनः बार बार आना, आवर्ती का मतलब भी यही है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा से कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं थी। ठीक इसी तरह से अगर हम तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में हमारे पास है जो हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है चार से ही एक बटा आठ, तो इसको पहले लिख लेते हैं चार अटे बत्तीस और एक तैतीस, तैतीस बटे में आठ, तो तैतीस बटा आठ को अगर हम करें तो तैतीस आठ से करते हैं, आठ सौ के बत्तीस माइनस किया एक रह गया, जीरो लगाया तो दशमलव, आठ एकम आठ दो बज गए, जीरो लगा दिया, आठ दूनी सोलह, चार बज गए, जीरो लगाया, आठ पंजे चालीस, पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहां से हमें इसका कितना मिल गया 4.125। रुक गया तो रुक गया, तो ये कैसा हो गया दशमलव प्रसार, इसका कैसा हुआ शांत, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हुआ शांत हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, इसमें दिया हुआ है तीन बटे में तेरह, तो तीन बटा तेरह का देखते हैं हम कैसे बनेगा। यहां हमने तीन लिखा और तेरह से करेंगे तो जीरो, यहां जीरो लगाएंगे तो दशमलव आ गया, तेरह दूनी छब्बीस, चार बज गए, जीरो लगाया, तेरह दिया उनतालीस, एक बज गया, जीरो लगा लिया नहीं जाता तो जीरो आ जाएगा, एक और तेरह सत्ते इक्यानवे, नौ बज गए, जीरो लगा लिया, तेरह छिके अठहत्तर, तो यहां पे बारह बज गए, जीरो लगाया, तेरह दिन में एक सौ सत्रह, तीन बज गया, जीरो लगाया, तेरह दूनी छब्बीस, चार बज गए, जीरो लगाया, तेरह तिया उनतालीस, एक बज गया, देखो यही तो शुरू हो गया, तीस था, तीस से आगे यही आ गया, फिर यहां तीस आ गया, तीस के बाद ये चालीस आ गया, इस तरह से फिर शुरू हो जाएगा, तो बार बार फिर रिपीट हो जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास कहां से देखो दो तीन जीरो सात छह नौ तक तो ठीक चला, फिर दोबारा से दो आ गया, दो के बाद फिर तीन आ गया, देखो यही तीन, फिर तीन के बाद जब करेंगे हमने जीरो लिया तो फिर ये जीरो आ गया, तो इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो दशमलव दो तीन जीरो सात छह नौ, फिर आ गया दो तीन जीरो, या यहां तक हमने कर लिया, अब देखो वही तो रिपीट हो रहा है, फिर ये कितना आ जाएगा सात छ नौ, फिर रिपीट हो जाएगा, अब देखो यहां के बाद रिपीट होना शुरू हो गया था, फिर ये दो तीन जीरो सात छ नौ, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो दशमलव दो तीन जीरो सात छ नौ, इसके ऊपर बार लगा देंगे, मीन्स ये बार बार रिपीट हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा आसानता है या कि अनवसानी है, और कैसे है रिपीट हो रहा है अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती, तो दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास दो बटे में ग्यारह, तो जैसे एक बटे ग्यारह का था इसी तरह से दो बटे ग्यारह का होगा, कोई ज्यादा सा फर्क हमारे पास नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक इसी तरह से दो बटा ग्यारह के लिए हम करते हैं तो जीरो आ जाएगा, तो हमने यहां पे जीरो लगाई तो दशमलव, ग्यारह एकम ग्यारह, नौ बज गए, जीरो, ग्यारह अठे अठासी, अठासी फिर दो रह गया, जीरो,
ग्यारह एक ग्यारह, नौ जीरो, ग्यारह अट्ठे अठासी, दो तो देखो फिर वही बीस, यहां पे फिर बीस आ गया, यहां पे फिर बीस बनेगा, तो फिर उसी तरह से रिपीट होता चलेगा। तो यहां से ग्यारह एक ग्यारह, नौ, ग्यारह अट्ठे अठासी, ग्यारह अट्ठे अठासी, फिर दो आ गया, तो उसी तरह से चल रहा है, यानी कि कितना बना, जीरो दशमलव एक आठ एक आठ एक आठ, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो दशमलव एक आठ, एक आठ पे फिर रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो एक आठ के ऊपर बार, यानी कि ये क्या बन जाएगा, असानता है या कि अनवसानी है, और साथ में कैसा है, आवर्ती या पुनरावर्ती। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट को अगर हम देखें, सिक्स पार्ट में है 329 बटे में 400, तो इसका देख लें, अगर हम 329 का देखें 400 के, तो जीरो, यहां पे जीरो लगाएंगे तो यहां दशमलव आ गया, आठ पे किया 32 हो गया, दो जीरो लगे, माइनस किया जीरो नौ, और ये जीरो हो गया, एक जीरो लगाई, दो पे 800, जीरो जीरो एक, एक जीरो लगाई, और ठीक है, फिर दो पे 800, 200 रह गए, एक जीरो लगाई, चार पंजे 20 होते हैं, तो 400 पंजे 2000 हो जाएगा, पांच पे 2000 पूरा पूरा आ गया, तो आपकी बात, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया 0.8225, रुक गया, खत्म हो गया। तो ये कैसा हो गया, इसका प्रसार, दशमलव प्रसार स्थानांतरित। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नेम्स है इनको ध्यान रखोगे कि अगर दशमलव प्रसार रुक जाता है, कुछ दशमलव के बाद, कुछ अंकों के बाद वो रुक जाता है, तो फिर वो शांत है, यानी कि पूरा पूरा भाग हो जाए दशमलव के बाद कुछ अंकों के, उसके बाद अगर वो नहीं रुकता है तो फिर वो अशांत है। अशांत है तो अशांत मतलब हमारे पास उसको दूसरा नाम दिया गया अनवसानी का। तो आपके पास तो सारे क्वेश्चन अगर अशांत हुआ तो अशांत के साथ वो पुनरावर्ती या आवर्ती ही होगा, क्योंकि जो अशांत के साथ दूसरी जो कंडीशन है अनावर्ती की, वो तो आपके पास दसवीं क्लास में है, यहां नहीं है। यानी कि इन क्वेश्चन के लिए या तो शांत होगा या फिर वो होगा, शांत कब होगा, जब दशमलव, जब भाग करते वक्त दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद वो पूरा पूरा भाग हो जाए, नहीं तो वो क्या होगा, अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती।